प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा जानी चोर पेश है। किसी समय का जिक्र है कि जानी चोर अपने दोस्त सुल्तान के साथ अपनी मुंह बोली बहन मरवन के भात भरने जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आ गई। जब वे दोनों नदी में स्नान कर रहे थे तो जानी को जल में बहती एक तख्ती मिली जिसमें लिखा था, मैं महक देनार अदली खां की कैद में हूं, यदि कोई हिंदू वीर हो तो मुझे अदली खां की कैद से छुड़ा कर ले जाए, नहीं तो 2 महीने के बाद मुझे वह अपनी पत्नी बना लेगा। तो प्रेमियों, जानी ने तख्ती पढ़ी और फिर अपने दोस्त से कहता है कि भाई तू तो भात भरने चला जा और मैं महकदे को छुड़ा कर लाता हूं। तो दोस्तों, जानी उसी शहर में पहुंच जाता है। शहर से बाहर एक बगीचा था। जानी आराम करने के लिए बगीचे में जाकर सो जाता है। इतनी देर में बाग की मालन आ गई। जानी के सोते हुए की कमर में 2-4 कोलड़े मार दिए। जानी हड़बड़ाकर उठता है। मालन गुस्से से क्या कहती है और जानी क्या जवाब देता है। मुसाफिर सो यारी मालन देख कैसी छाया हो, ताड़ा तोड़ बड़ा बागा में तू कड़े पे आया। ओए मुसाफिर सो यारी मालन देख कैसी छाया। मतलब तेरी बात का हमने जानी को ना, बाग जनना बेगम का तने सुनी पठानी को ना, बेगम बाग का के मेल तेरे जिसी और अंगानी को ना हो। कमरे पिलंग नहीं छेड़े मन धरती पे बिस्तर लाया। हाँ तोड़ बड़ा बागा में तू कड़े पे आया। कोए मुसाफिर सो यारी मालन देख कैसी छाया। बाग धर्म शाला में ठहरे लोग व्यवहारी, यो बाग जनन महक देखा जो इब तक रही कवारी। मैं भले घरा का बेटा मालन ना ठग चोर जुआरी, खामा खा रही चोर बता मालन तेरा के ठाया हो। ताड़ा तोड़ बड़ा बागा में तू कड़े पे आया। ओए मुसाफिर सो यारी मालन देख कैसी छाया। कल कुंदा कुछ भी ना था, ये फाटक खुली पड़ी थी। हार देने गई महल तलक ना लाई डेढ़ घड़ी थी। मैं भूल के बढ़ गया तेरे बाग में होनी नया कलहरी थी। तू भूल के बढ़ गया बागा
सिखर दुपहरी तू पड़े किते मर जा बाहर की साया हो मुसाफिर सो यारी मालन देख कैसी बिछाया तारो जवाब मेरी रो जाना यही कार से हो जीव छिना नहीं टिकती न्यूहे लिखना फिर बाहर से मर्द में खोट वीर जिसे काटे मालन तू किसी नारे से धनपत सिंह जो मार खोल जोर घना गिर काया उल्टी हटियों की तैगी में माल तेरा किठाया हो ताड़ा तोड़ बया बागा में तू उतकड़े ते आया कोई मुसाफिर सो यारी मालन देख कैसी छाया मालन उस परदेशी को जोर जोर से धमका रही थी कह रही थी कि तू चोर जार या जुआरी नशेबाज है तुझे ये पता नहीं कि यह बेगम महकदे का बाग है मैं तुझे जरूर बादशाह की कैद में डलवाऊंगी तो जानी ने सोचा कि यह मालन तो खूब मेरे गले में घली है अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं तो जानी अचानक कहता है कि अरे तू तो मेरी मौसी लागैस है मैं तो तेरे दरस करन ने अड़ आया सू मैं तेरी बहन का है तो बेटा सू तो मालन कुछ सोच विचार करती है और कहती है कि अच्छा तू मैंने मौसी बतावस है तो तू मेरा नाम बता तो जानी कुछ जैसे याद कर रहा हो कहता है फिर मेरे मने मन में फिरस है याद ना आता तो मालन खुद ही कहती है अरे तू भूल गया होगा मेरा नाम से नथिया अरे हाँ हाँ नथिया ई याद आया और बेटे तेरा नाम गोधू से के अरे हाँ हाँ मौसी गोधू से तो फिर तो मालन ने झट से गोधू को गले लगाया कहती है कि बेटे तने पहलम क्यों ना बताया था मैं तो खाम खा तेरे कोलड़े मार दिए तो जानी मालन से महकदे व अदली के बारे में भी फिर पूछता है और नकली मौसी और बेटे में क्या वार्ता होती है लागैस है मौसी मेरी मैं तेरी बाहन का जाया हाँ जाया नहीं पिछाड़ा गोधू बेटा ना पहलम भेद बताया तू लागैस है मौसी मेरी मैं तेरी बाहन का जाया हाँ जाया था सुख निंद्रा में तने चोट कसुती मारी तेरा भेद पटाना बेटा थी मेरी लाचारी मार कोलड़े मेरी खाल तार ली काया चस्के सारी तेरी ओर ते घनी शर्मा गी मैं पापण मेरे पांच आंगली भी लाई कोना मेरे पांच आंगली भी लाई कोना जिसने गोद खिलाया हाँ खिलाया मैं तेरे खोट में आगी बेटा हाथ तेरे बैठाया
वाहन का जाया हाँ जाया की तने बुझी कोना तू इतनी छो मैं आई मेरे जन्म करम मैं के तू कैदी बाहर मेरी माँ जाई मैं डट गया था तेरे बाग में बता चीज तेरी के खाई के मिले गया तने रीमोसी में के मिल गया तने रीमोसी में क्यों बिन खोट सताया हाँ सताया कैर समझ कैरे बेटा तू पीटिया और धमकाया अरे तू लगे से मोसी मेरी मैं तेरी बाहन का जाया हाँ जाया बदे मसा खतर केलेरी से न्योड़ी भोखे में या बात बनी ना मैं धुर की शादी भोली मैं तेरे दर से करण ने आया तू ना बोली सोली तेरी ओर का दुख से बेटा मेरे लागी गम की गोली आए गए अतिथि की गैला आए गए अतिथि गैला चालियों की सर चाया चाल घरा चाल लेंगे बेटा भोजन भी ना खाया तू लगे से मुसी मेरी मैं तेरी बाहन का जाया हाँ जाया मने नहीं बावे मेरे बात कसुती गड़ी हुई कैसे प्रश्ना तेरे मन में के बेमारी बड़ी हुई अदली खां की कैद में एक पति वरता नारी पड़ी हुई नार महक दे उस पापी से अदली खां की हड़ी हुई कह जैसी ने वक्त लिकड़ गया कह जैसी बे वक्त लिकड़ गया कुछ ना जाता गाया हाँ गाया परमपाल हर की गीला का ना भेद किसी ने पाया अरे तू लगे से मुसी मेरी मैं तेरी बाहन का जाया हाँ जाया अब तो जानी चोर ने मौसी का बेटा बनकर महकदेव अदली के बारे में मालन से सब कुछ पूछ लिया।
और अगले दिन एक इश्तहार अदली की चौखट पर टांग दिया और लिख दिया कि महकदे को अदली की कैद से छुड़ाने के लिए जानी चोर अदली के शहर में आ गया है। और यह इश्तहार टांग करके जानी चला आया। अदली खान ने इश्तहार पढ़ा और दरबार बुलाया। सभी दरबारी तथा शहर के मुख्य मुख्य लोग बुलाए गए। अदली खान ने जानी चोर के आने की खबर दी और ये कहा कि ऐसा कौन है जो जानी चोर को गिरफ्तार करके लाए। तो शहर का एक प्रमुख सुनार धम्मन सुंदरे था, उसने जानी को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इधर जानी चोर को जब यह पता चला कि धम्मन सुनार ने तुझे पकड़ने की जिम्मेदारी ली है, तो सोचा कि पहले धम्मन का ही नाश करूंगा। तो भेष बदल कर शहर में पता लगाया कि धम्मन कौन है, कहां रहता है। जानी को यह भी पता चल गया कि धम्मन सुनार की एक जवान पुत्री है जिसकी शादी 12 वर्ष पहले हो गई थी और उसका पति 12 साल से कहीं परदेश में चला गया था। तो जानी चोर एक ब्राह्मण का भेष बनाकर हाथ में पोथी पत्रे लेकर धम्मन सुनार के घर पहुंच जाता है। तो धम्मन सुनार की पत्नी पंडित जी का आदर करती है और क्या सवाल पूछती है तथा पंडित जी यानी के जानी चोर क्या जवाब देता है। बात रही फिर मिट जागी करड़ाई, पतरा खोल बता दा दसरे कद आवे मेरा जमाई। तीन रोज की बात रही फिर मिट जागी करड़ाई। मेरे पत्रे में भेद छुपा मैं तो कष्ट मेट दूं थारा। ना ब्याही ना क्वारी बेटी बरस बीत गए बारा। तेरा जमाई घर आजा मेरा न्यू पत्रा ठीक बता रहा। हाँ, पत्रा ठीक बता रहा। पंडित जी मारा कष्ट मेट दे हो सोध के बता दिया मैं याद मेरे सब राही। पतरा खोल बता दा दसरे कद आवे मेरा जमाई। तीन रोज की बात रही फिर मिट जागी करड़ाई हो। संकट सब दूर करूंगा थारे घड़ी साथ में। मेरी बेटी का भाग सदा था तो तेरे हाथ में। एक रती ना फर्क मिलेगा तने ना मेरी बात में हो, तने ना मेरी बात में। मार रेख में मेख दूर सब कर दूं थारी तवाई। पतरा खोल बता दा दसरे कद आवे मेरा जमाई। तीन रोज की बात रही फिर मिट जागी करड़ाई।
घर सो तेरा जमाई आ जा तेरे मरम बांटने यारे। भाव से भजन करूं तारा तम रंग छाटने यारे। जिसा प्रश्न उसा उत्तर दे दिया हम नहीं नाटने यारे। हम नहीं नाटने यारे। घर घर बांटू उमंग मिठाई हो तिसना जुटी पावे मन देरा साफ दिखाई। कदरा खोल बता दा दसरे कद आवे मेरा जमाई। तीन रोज की बात रही फिर मिट जागी करड़ाई। चावे सो दक्षिणा दे दिए जिगर घना से मुला मेरा। अपना बता बता दे दादा किद सी बड़ा मुकाम तेरा। जिला मेरठ में खेकड़ा थाना खास निरोजपुर गांव मेरा। खास निरोजपुर गांव मेरा। करमपाल जय सिंह के पास चली जा खर्च लगे ना पाई। कतरा खोल बता दा दसरे कद आवे मेरा जमाई। तीन रोज की बात रही फिर मिट जागी करड़ाई। हो पंडित जी यानी जानी चोर सुनार की पत्नी से बातें कर रहा था। इतनी देर में सुनार की पुत्री को अपनी ज्योतिष का हिसाब देखकर क्या बताते हैं तथा सुनार की पुत्री क्या पूछती है। पंडित जी मेरा हाथ देख मेरा कद सी पति मिलेगा। मत घबरावे रे छोरी तेरा हट के चमन खिलेगा। जान गया तेरा पिछड़ा मन का मेली। किसते बोलूं और बतलाऊं मैं घर में सड़ूं अकेली। एक मानस बिन दिखे से तेरी सुन्नी महल हवेली। सुन्नी महल हवेली जो बन दे किलकारी पति बिन ना जो बन जोश झिले। आ जागा भर तार तेरा जब सारा कष्ट टलेगा। पंडित जी मेरा हाथ माटी क्या ही सुरमा ना घाल्या ना लाई घूंघट गाती। तेरा दुख में टनिया आ जागा फिर ये तू इतराती। फिर ये तू इतराती सत्य वचन हो ब्राह्मण का थारे घी का दीप जलेगा। पंडित जी मेरा हाथ देख मेरा कद सी पति मिलेगा। मत घबरावे रे छोरी तेरा हटके चमन खिलेगा। हो पंडित जी मेरा हाथ देख मेरा कद सी पति मिलेगा।
दिन पछे फिर रात ने हो तेरे पति का आना हा। उसकी मारी मरी पड़ी सू तू दादा ठीक बताना। सच्ची बात बताऊं छोरी आता नहीं भकाना मेरे पे आता नहीं भकाना। तेरी दया ते पंडित जी दुखिया का भाग खुलेगा। जो मुक्त बाणी कह दी ना ब्राह्मण का मूड हिलेगा। पंडित जी मेरा हाथ देख मेरा मत घबरा वे रे छोरी तेरा हटके चमन खिलेगा। हो पंडित जी मेरा हाथ देख मेरा कद की पति मिलेगा। आधी रात पति तेरा आवे मन सच्ची बात बताई। जिंदगी भर तेरा गुण भूलू ना तेरी हरदम करूं बड़ाई। करिए तू इंतजार रात ने तेरी सुदले देवी माई तेरी सुदले देवी माई। कह जय सिंह माटी का पुतड़ा माटी भी करम पाल सत करम करे जा तू फुले और फलेगा। पंडित जी मेरा हाथ देख मेरा कद सी पति मिलेगा। मत घबरावे रे छोरी तेरा हटके चमन खिलेगा। पंडित जी यानी जानी चोर ने सुनार की पत्नी व पुत्री को साफ साफ बता दिया कि मेरी ज्योतिषी यह साफ बता रही है कि आपका प्यारा रिश्तेदार परसों रात को 11-12 बजे के बीच आपके घर आ जाएगा। बस एक काम करना है कि क्योंकि 12 वर्ष बीत गए हैं उसको यह घर देखे तो हो सकता है कि उसे तुम्हारा घर पहचान में न आए। अतः तुम एक जलता दीपक लेकर अपने दरवाजे में ही खड़ी हो जाना जिससे वह रोशनी में घर को पहचान ले। इतना कहकर जानी चोर वहां से चला आया और अगले दिन खुद जानी चोर सज धज कर कोट बूट पहनकर सुनार का रिश्तेदार बनकर रात के 12 बजे धम्मन सुंदरे सुनार के घर पहुंच जाता है। सुनार की पुत्री व पत्नी दीपक लेकर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे कमरे में बैठाया और फिर सुनार की पत्नी अपनी पुत्री से कहती है कि बेटी मैं तो अपने जमाई के लिए जलपान नाश्ता आदि लेकर आती हूँ और तू अपने पति से दो बातें कर ले। और फिर सुनार की पुत्री जानी को अपना पति मानकर क्या कहती है और जानी चोर क्या जवाब देता है। दो दिल बिछड़े आज मिले से हमारा सच्चा प्यार हो। जोड़े हाथ खड़ी तेरे आगे लो राम रमी भर तार। दो दिल बिछड़े आज मिले से हमारा सच्चा प्यार। जोड़े हाथ खड़ी तेरे आगे परदेसा में घूम घूम मन करनी पड़ी पढ़ाई। क्या करे के क्यों छोड़ी गया क्यों घर में बस बैठाई। होगा था लाचार परी तेरी याद भतेरी आई। शुक्र पिया करी समाई बुझे तेरी नाई।
खता माफ कर दे प्यारी मैं सू तेरा खता बार हो बिछड़े आज मिले से मारा सच्चा प्यार जोड़े हाथ खड़ी तेरे आगे मत ना फिकर करे तू गोरी अब दिन गम के जालिए तेरे साथ की सखियां ने कई कई लाल खिला लिए बेटा बेटी जन के प्यारी तू भी दूध पिया लिए पैरण सिंगरण की मैं यादू चीज हजार हो जोड़े हाथ खड़ी तेरे आगे लो रामी रामी भरतार दो दिल बिछड़े आज मिले से मारा सच्चा प्यार कर करई प्यारी तेरे प्रेम के कारण पियाली ओठ मुसीबत भारी करके न सिंगार परीब कर ले चलन की प्यारी करते शाम रहा करो के करते कार व्यवहार नए फैशन का गहना घड़ दूं मैं जात का सुनार हो छिड़े आज मिले से मारा सच्चा प्यार और बातों ही बातों में जानी चोर सुनार की लड़की से कहता है कि प्रिय मैं प्रदेश में रहकर एक ऐसी विद्या सीख करके आया हूँ कि जिससे मैं सोने को दुगना कर देता हूँ। तू एक काम कर कि जितना तेरे पिता के पास में सोना है सब ले आ, उसको दुगना करके आधा कल तेरी ससुराल ले चलेंगे और आधा तेरे पिता का वापस भी कर देंगे। इस प्रकार जीवन भर मौज करेंगे। तो भाइयों, सुनार की पुत्री अपने फर्जी पिया की बातों में आ गई और घर का सारा सोना अपने पति को सौंप दिया। और फिर जब सब लोग सो गए तो जानी चोर सारे सोने को लेकर के वहां से रातों रात चला आया। अगले रोज सबको पता चल गया कि जानी चोर ने धम्मन सुनार का घर लूट लिया। अब तो एक दरोगा ने अदली खां को वचन दिया कि बादशाह सलामत, धम्मन सुनार तो जानी चोर को पकड़ नहीं पाया लेकिन मैं अवश्य पकड़ूंगा। दरोगा ने जानी चोर को पकड़ने के लिए एक कटघर बनवाया और एक चौराहे पर रखवा लिया। जानी को भी इस बात का पता चल गया। जानी चोर ने अब की बार जनाने वस्त्र पहन लिए और घूंघट कर लिया तथा रात के 12 बजे के करीब दरोगा के पास कटघर के पास ही आ गया। दरोगा ने सुंदर सी साड़ी पहने जब यह औरत देखी तो दरोगा क्या कहता है और वह औरत यानी जानी कानाफूसी की आवाज में क्या जवाब देती है, दोनों के सवाल जवाब होते हैं। ओ बेवारस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई, ओ बेहूदे तेरे शर्म नहीं
रस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई। बड़ रास है मतलब से मेरे ते क्यों मेरे गड़गड़ रास है। गोरा गोरा गा तेरा तो यो चंदा जू खिल रास है। काट खरी से तू क्यों इतनी शर्माई। या दुनिया कहती आई हो ऊत की जूत दवाई। ओ बेवारस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई। कुछ भी पर मेरे ते इनकार नहीं। तू ते मैं भी जान गई सूं कोई तेरे सब अधिकार नहीं। तन जीते प्यारी राखूं यो झूठा मेरा प्यार नहीं। चाल परी तू तू भरती फिर तवाई। चोर जार बदमाश रात ने तू करता फिर बुराई। ओ बेवारस की ढाल गाल में घूमे कौन लुगाई। सारे शहर में रोड़ा उस जानी के आने का। मैं डरती ना किसे ते को ना मन खाने का। मैं थानेदार फिरूं पहरे पे अदली के थाने का। टोहे बिन न छोड़ूं मन कसम खुदा की खाई। तू पर जानी ने पकड़े ना बात समझ में आई। ओ बेवारस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई। ओ बे खातर बनवाया कैसे जानी आ जा इसमें ना भेद समझ में आया। तन बड़
मत फिकर करे मेरी माया। परमपाल पे दया करो जी, तुम खुद गायत्री माई। यह जय सिंह हरि भक्ति बिन क्या वीरता उमर गवाई। ओ बेवारस की धार गाल में घूमे कौन लुगाई। प्रकार से औरत के भेष में जानी ने दरोगा को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। कहने लगी कि दरोगा जी एक बात तो बताओ कि आपने जानी को पकड़कर बंद करने के लिए यह कटघर तो बनवा लिया, लेकिन जानी तो पूरा लंबा चौड़ा जवान सुना जाता है, वह इसमें कैसे आएगा? यह तो कटघर छोटा है, दूसरा बनवाओ। लेकिन दरोगा कहता है कि सुंदरी तुझे तो कुछ भी पता नहीं, यह कटघर छोटा नहीं है, जानी तो इसमें आराम से आ जाएगा, बस एक बार पकड़ने की देर है। लेकिन औरत कहती है कि दरोगा जी मैं तो तब समझूं जब तुम एक बार इसमें अंदर जाकर के दिखा दो। तो दोस्तों दरोगा तुरंत कटघर में घुस जाता है और उस औरत यानी जानी चोर ने झट से बाहर से कुंडी लगा दी। तो दरोगा कहता है कि ए औरत मेरे साथ मजाक मत कर, जल्दी कुंडा खोल, मुझे बाहर निकलने दे। तो फिर तो जानी ने अपना वह जनाना भेष उतार कर फेंक दिया। दोनों में सवाल जवाब होते हैं, क्या कहते हैं? कटघर में तबार काज मन अच्छी नहीं अंगाई, जिसने बहू बनावे देख ले यो जानी तेरा जमाई। कटघर में ते बार काट मने अच्छी नहीं अंगाई, जिसने बहू बनावे देख ले यो जानी तेरा जमाई। छलका देखा भेष तेरा, बुरे में उका बेटा सूं और चोर गढ़ी से देश मेरा। दे जानी काट कलेश मेरा, दे जानी काट कलेश मेरा, कुछ दया करे न भाई। तू दिया काठ में रोक दरोगा देख मेरी चतुराई। कटघर में ते बार काट मने अच्छी नहीं अंगाई, जिसने बहू बनावे देख ले यो जानी तेरा जमाई। हाथ जोड़ के माफी मंगू, हाथ जोड़ के मंगू, मन करने का फल पाया। तन करना इसके सिखा दूंगा, तू हंडे उत भकाया। तेरे पाया मैं शीश झुकाया, तेरे पाया मैं शीश झुकाया, तू की कर ले तू नरमाई। इसमें तू ही पड़ेगा जो मेरी खातर खोद दिखाई। कटघर में ते बार काढ़ मने अच्छी नहीं अंगाई, जिसने बहू बनावे देख ले यो जानी तेरा जमाई। Thank you.
धन में जिसी करी उसी आप भोग ले, क्यों दुख पावे से मन में। अकल बिगड़ गई मूरखपन में, इब समझ में आई तेरे जैसे चतुर चलाक पे कर ले कौन समाई। कटगर में तबार काढ़ मने अच्छी नहीं अंगाई, जिसने बहु बनावे देख ले यो जानी तेरा जमाई। जिंदगी भर तेरा गुण भूलू ना मेरी जान बचाइए, तू मेरी कैद में करावे था इब अपनी खैर मनाइए। हाँ गुरु जय सिंह पे खबर पुचाइए, गुरु जय सिंह पे खबर पुचाइए, आके करे रिहाई। धर्मपाल कहे भक्त जनों की ईश्वर कर सहाई, कटगर में तबार काढ़ मने अच्छी नहीं अंगाई, जिसने बहु बनावे देख ले यो जानी तेरा जमाई। प्रेमियों, जानी चोर के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप हमारे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे, लेकिन ध्यान रहे कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें। सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम। अनेक भाषाओं में अपने मनपसंद